हमने जितने भी भैरवी मंदिरों की स्थापना की है, ये वाला उनसे थोड़ा अलग है। हमने तीसरे नेत्र को बहुत ज्यादा तीव्र बनाया है। देवी के यहां के रूप का झुकाव मुक्ति की ओर आगे बढ़ने की ओर ज्यादा है, न कि सिर्फ भौतिक खुशहाली की ओर। पिछले 12 से 1500 सालों में देवी का ऐसा रूप बहुत ही दुर्लभ है जो कि मरकरी या पारे पर आधारित हो। देवों के रूप हैं ऐसे लिंग हैं जो कि मरकरी या पारे पर आधारित हैं। इस तरह के मूलभूत तत्वों के मंदिर भी हैं, पर देवी का ऐसा कोई रूप नहीं है, ऐसा रूप जिसका आधार मरकरी का हो। तो ये एक अनोखा पहलू है। इस मरकरी को जिस तरह से जमाया गया है, ये आसानी से 3600 से 40 या 45 या शायद 4800 साल तक बना रहेगा। And it's been going through a certain process. और ये पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से एक विशेष प्रक्रिया से, एक बेहद तीव्र प्रक्रिया से गुजर रही है। और इसमें मुख्य रूप से मैं खुद और भारत और नेपाल की कुछ युवा महिलाओं ने इसको संभव बनाने के लिए इसमें हिस्सा लिया है। इन पर बहुत काम किया गया है। जैसी ये अभी हैं, इन्हें यहाँ तक लाने में बहुत काम हुआ है। एक और पहलू है ये कलश। 5 कलश ऊपर हैं, 3 ठीक यहाँ हैं, 1 बिल्कुल ठीक देवी के ऊपर है और 1 सामने बाहरी मंडप में है। तो इन तीनों को हम जमी हुई मरकरी या पारे से ऊर्जान्वित करेंगे। ये एक ऐसा पहलू है जो बाकी भैरवी रूपों से, जिन्हें हमने स्थापित किया है, उनसे थोड़ा अलग है। यानी कि हमने तीसरे नेत्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। तो देवी के इस रूप में करुणा से ज्यादा तीव्रता है। मेरा ख्याल है यहाँ नेपाल में आप लोग प्रेम और करुणा में थोड़ा ज्यादा ही गोते लगा रहे हैं, तो मुझे लगा आपको थोड़ी तीव्रता की जरूरत है जो आपको प्रज्वलित कर दे। तो ये चलेगा ना आप नेपाली लोगों को? देवी के इस रूप का झुकाव मुक्ति की ओर आगे बढ़ने की ओर ज्यादा है, न कि सिर्फ भौतिक खुशहाली की ओर। इस रूप को इसी मकसद के लिए बनाया गया है। देवी का मकसद आपको जीवन के प्रति संवेदनशील बनाना है, न कि सामाजिक विचारधाराओं या फिलॉसफी या शास्त्रों के प्रति संवेदनशील बनना। नहीं, जीवन के प्रति संवेदनशील बनना। ताकि आप अपने अस्तित्व का महत्व जान पाएं, न कि उसका जो आप करते हैं या नहीं करते, सिर्फ अपने अस्तित्व का महत्व। हर इंसान को इसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ एक इंसान के पास होता है। आपको इसका उपयोग करना ही चाहिए। नमस्कार। ये अनुभव अद्भुत था, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
मैंने ऐसा अनुभव जीवन में पहले कभी नहीं किया है। देवी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। में जो अभी आपसे कहने वाला हूँ वो यहाँ मैंने अभी किसी से कहा नहीं है, क्योंकि एक स्वीकार करने का दिन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक वजह क्यों मैंने ये सोचा कि देवी को यहाँ नेपाल में आना ही चाहिए, वो ये कि आपके यहाँ जो कुछ अद्भुत मंदिर हैं, पर जब मैंने देखा कि उन्हें किस तरह से रखा जाता है और किस तरह उनको अप्रोच किया जाता है, मेरे आंसू आ गए। ये उपकरण भव्य हैं और इतने प्रारंभिक तरीकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भैरवी को एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में यहां आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस अद्भुत देश में और कई चीजों को पुनर्जीवित करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि नेपाल की युवा पीढ़ी और खास तौर से युवा महिलाएं इस आयाम का उपयोग करें, और अगर आप इसका उपयोग करना जानते हैं तो देवी आपके लिए उन संभावनाओं को खोल देगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भैरवी वो हैं कि अगर आप इनका उपयोग कर पाएं तो जीवन के हर पल को उमंग से भरा और अद्भुत बनाना एक जीती जागती संभावना होगी। भैरवी को अपने दिलों में ले जाइए और अपने भीतर देवी को खिलने दीजिए।